हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप में कोई भी इमेज है या लोगो है उसको 3D में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि इस प्रकार मेरा फ़ोटो है जिसको मैं यहाँ पास राइट साइड में आप देखेंगे 3D में कन्वर्ट कर किया हुआ हूँ। तो इस प्रकार से मैं 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताऊँगा। यहाँ पास सबसे पहले इसका एक कॉपी बना लेंगे, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे जो इस प्रकार है। उसके बाद हम ये इस इमेज को ऑटो सिलेक्शन करेंगे। ये ऑटो सिलेक्ट हो गया आपके में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो ऑटो सिलेक्शन है उसको ऑन करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर ऊपर में देखेंगे ऑटो सिलेक्शन और यहाँ पर शो राइट साइड में देखेंगे शो वाला ऑप्शन है, उसको दोनों को ऑन रखेंगे। तो इस प्रकार से ये ऑटो सिलेक्शन चालू हो जाएगा। अब हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पास, उसके बाद हम इसको कंट्रोल बटन प्रेस करके हल्का से रोटेट करेंगे। कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तभी ये जो एक्चुअल रोटेट होगा ये इस प्रकार होगा। उसके बाद यहाँ पास बिना कंट्रोल बटन प्रेस किए इस प्रकार से रोटेट करेंगे, फिर यहाँ पास इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद कंट्रोल जे से एक कॉपी बना लेंगे, इसका एक कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल जे से एक कॉपी बनेगा। उसके बाद हम इसको अप बटन प्रेस करेंगे, हल्का सा ऊपर कर देंगे, एक बार ही ऊपर करेंगे। उसके बाद इसको कंट्रोल अल्ट शिफ्ट उसके बाद टी, चारों बटन को एक साथ प्रेस करना है। उसकी 20 कॉपी बना लेंगे, आप राइट साइड में देखेंगे 20 लेयर इसका बन रहा है। इसका 20 लेयर बनाने के बाद ऊपर वाले लेयर को छोड़ के आप यहाँ राइट साइड में देखेंगे नीचे में, ऊपर वाले लेयर को छोड़ के सभी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज होने के बाद कंट्रोल एम बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल एम बटन प्रेस करने के बाद ये इस प्रकार से आएगा। इसको लाइटिंग हल्का सा कम कर देंगे, ध्यान रहे नीचे वाले लेयर में लाइटिंग कम करना है। उसके बाद इसका एक कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल जे से फिर एक कॉपी बना लेंगे। ये जो नीचे वाले लेयर हैं, अब जो नीचे वाले लेयर हैं इसको ब्लर में जाएंगे, यहाँ से ब्लर करेंगे, इसको हल्का सा नीचे कर देंगे, यहाँ पर ब्लू वाला मिलेंगे। यहाँ पास 35 से फोटोग्राफ ले सकते हैं, यहाँ पास मैं 35 लिया हूँ। उसके बाद 35 लेने के बाद यहाँ पास ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पास नीचे में हल्का सा जो ब्लर किए हैं उसको हल्का सा नीचे करेंगे, लेयर जो है उसको हल्का सा इस प्रकार से नीचे कर देंगे। उसके बाद बीच वाले लेयर में जाना है, बीच वाले लेयर में यहाँ पास इफेक्ट्स में क्लिक करना है, यहाँ पास ड्रॉ यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद इसको हल्का सा बढ़ा देंगे जो इस प्रकार है, इसको बढ़ा देंगे। तो अब इसको देखेंगे आप नॉर्मल जो इमेज है वो 3D में कन्वर्ट हो गया है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।